साढ़े दस से बारह, तो ये तो तुम्हारा ट्रैक है। तुम्हें से और यदि तुम्हें लगता है कि कन्या में तुम बताओ, हमारा टेस्ट का टाइम भैया बता देंगे, अभी एक बार सेट कर लूँ उसके बाद। अच्छा अभी भी तो है इच्छा नहीं है ना आज, सही कह रहा हूँ ना? चीजें तब सही नहीं होती जब किसी के बिना मन के होते। हेलो, अभी हाँ सर। अरे बस यही तो पूछा, आवाज आ रही है कि बेटा तेरे लिए तो इतनी देर से कर रहा था। चलो भाई देखो, लिखो पॉलीनोमियल्स। अब देखो पॉलीनोमियल्स में क्या होता है, एक तो होता है लीनियर पॉलीनोमियल। लीनियर पॉलीनोमियल एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, ये लीनियर पॉलीनोमियल, ठीक है। अब यदि मैं इसका कर्व प्लॉट करूंगा ना, ये कर्व इस तरह की होगी, एक लाइन, दिस इज ए लीनियर पॉलीनोमियल, ये लीनियर पॉलीनोमियल, या तो लाइन ऐसे बनेगी या ऐसे बनेगी। तो इसका मतलब एक्स एक्सिस को कितनी बार कट करेगी, एक बार, और उससे बोलते हैं हम जीरो। क्या बोलते हैं, जो आपका सॉल्यूशन आता है उसको हम क्या बोलते हैं, जीरो। सो देयर इज वन जीरो, वन जीरो मैक्सिमम वन जीरो होगा इसका, वन जीरो ऑफ लीनियर पॉलीनोमियल, वन जीरो ऑफ लीनियर पॉलीनोमियल। कितने जीरो होंगे, एक जीरो होगा लीनियर पॉलीनोमियल का। अब मैंने आपसे बोल दिया एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसे बोलते हैं हम क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। क्या बोलते हैं बेटा, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल।
इसमें ए का वैल्यू जीरो के इक्वल नहीं है। इसका जो कर्व होता है या तो होता है बेटा अपवर्ड पैराबोला, इसको क्या बोलते हैं पैराबोला, याद रखना नाम पैराबोला, और इसको क्या बोलते हैं अपवर्ड पैराबोला। कब बनता है बेटा अपवर्ड पैराबोला, सभी बोलेंगे जब ए जीरो से ज्यादा होता है, ए पॉजिटिव होता है। यदि आपका ए पॉजिटिव है तो अपवर्ड पैराबोला बनेगा, और यदि ए नेगेटिव है तो डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा, डाउनवर्ड पैराबोला। इस चीज को आप याद रखना, कौन सा कर्व वो पूछेगा कि भाई आपका जो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है उसका कर्व कैसे होगा। चार ऑप्शन होंगे, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, लाइन, तो आपका आंसर क्या जाएगा पैराबोला। और अपवर्ड पैराबोला कब बनेगा, जब ए का वैल्यू क्या है पॉजिटिव, और डाउनवर्ड पैराबोला कब बनेगा, जब ए का वैल्यू नेगेटिव। तो एक प्रॉब्लम यहाँ पर बनेगी, ठीक है लिख लो इसको, लिखते चलो। तो ये आपका डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा। मैंने बोला ना इस पर केस स्टडी बनेगी। वो भाई अभी बता रहा हूँ ना, लिख लिया बेटा यहाँ तक। अब तुम तीनों के एक बार मुझे नाम बता दो वापस से। तेरा नाम क्या है भाई? अबिल। अबिल सही है ना तेरा? अब्बास। दोनों के तो याद हो गए, जूजा। अब थोड़ा याद करने में थोड़ी दिक्कत आएगी लेकिन ठीक है। अब देखो सर, मैंने आपसे बोला एफ एक्स इक्वल टू, वो आपसे पूछेगा इससे, मैंने बोल दिया 7 + 3x + 4x2। अब ऐसा तो बेटा एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट देखो, पॉजिटिव है नेगेटिव, मतलब आपका ए पॉजिटिव है, ए इक्वल टू 4 > 0, तो कौन सा पैराबोला हुआ? अपवर्ड पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला। क्लियर है? अब जैसे मैंने एफ एक्स इक्वल टू, तुम बोल रहे थे 7 - 3x - 4x2, अब एक्स स्क्वायर ए का वैल्यू क्या आ रहा है, तो इसका पैराबोला कैसा बनेगा बेटा? तो एक प्रॉब्लम ऐसे बन सकती है कि कौन सा पैराबोला होगा, अपवर्ड पैराबोला बनेगा कि डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा, तो डाउनवर्ड पैराबोला। तो एक प्रॉब्लम इस तरह की है। दूसरा डिपेंड करेगा डी के ऊपर, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट ये बताएगा कि कितने जीरोज हैं, तो इसका डी कैसे निकालते हैं अभी बता रहे, ठीक है लिखते चलो बेटा जल्दी जल्दी। अभी बेटा यहाँ पर क्लियर है ना? हाँ बोलता जाना बेटा, क्लियर है ना? हाँ सर। डी की वैल्यू b² - 4ac, डी का वैल्यू, डी का वैल्यू है b² - 4ac, d = b² - 4ac अपॉन 2 वैल्यू आता बेटा। अरे बेटा यार ऐसा क्या कर रही है यार, डी ओनली डिस b = b² - 4ac। अब यदि आपका देखना, इधर समझना पहला केस, ये याद रखना, a पॉजिटिव d भी पॉजिटिव, ऐसा पैराबोला बनेगा, x एक्सिस को दो बार कट करेगी, टू जीरोस, ए पॉजिटिव है डी पॉजिटिव है, तो वो एक्स एक्सिस को दो बार कट करेगा, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस को दो बार कट करेगा। ए पॉजिटिव केस सेकंड, ए पॉजिटिव डी इक्वल टू जीरो, तो ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस को टच करता हुआ जाएगा, एक्स एक्सिस को टच करता हुआ जाएगा, 1-0। केस थर्ड,
ए पॉजिटिव डी नेगेटिव, तो एक्स एक्सिस को कभी भी टच नहीं करेगा, नो जीरोस। जीरोस क्या होते हैं, जितना बार वो एक्स एक्सिस को टच कर कट करता है वो जीरोस होते हैं। जैसे एक्स एक्सिस को दो बार कट किया तो इसके दो जीरोस हैं, एक बार कट किया तो एक जीरो, और एक बार भी कट नहीं किया तो एक भी जीरो। तो ये तीन केस है, जबकि ए क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्लियर है ये तीनों केस, कुछ भी पूछा जा सकता है इसमें से जो जो मैं बोल रहा हूं। ए पॉजिटिव डी भी पॉजिटिव, दो बार कट करेगा एक्स एक्सिस को तो दो जीरोस होंगे। ए पॉजिटिव डी इक्वल टू जीरो, तो एक्स एक्सिस को टच करता हुआ जाएगा, और ए पॉजिटिव डी नेगेटिव तो एक्स एक्सिस को आपको कट नहीं करेगा। सेकंड केस में सपोज ए नेगेटिव आ जाए, इतना लिख लिया बेटा, यहां तक बना लिया, केस सेकंड, ए नेगेटिव डी पॉजिटिव, डाउनवर्ड पैराबोला इस तरह का, एक्स एक्सिस को दो बार कट करेगा, टू जीरोस। ए नेगेटिव है, डी पॉजिटिव है, डाउनवर्ड पैराबोला, एक्स एक्सिस को दो बार कट करेगा, फोर्थ केस हो गया। केस फिफ्थ, ए नेगेटिव डी इक्वल टू जीरो, डाउनवर्ड पैराबोला लेकिन टच होता हुआ जाएगा। वन जीरो, और केस सिक्स, ए भी नेगेटिव डी भी नेगेटिव, डाउनवर्ड पैराबोला लेकिन एक्स एक्सिस को एक बार भी कट नहीं करेगा, नो जीरो। अब मैं एक एग्जांपल लेके समझाऊंगा कि भाई वो उसकी कितने जीरोस आएंगे और उसका नेचर क्या होगा। इतना लिख लीजिए, जैसे मैंने आपसे बोल दिया एफ एक्स इक्वल टू फोर एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स माइनस, ऐसा बोल दिया। अब मैं बोल रहा हूं इसका नेचर जानना है मुझे, तो सबसे पहले मैं एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखूंगा, या फोर लिख लो, फाइव लिख लो, तो ए का वैल्यू फाइव। कौन सा पैराबोला है बेटा, अपवर्ड पैराबोला, पहली चीज अपवर्ड पैराबोला। अच्छा, अब इसके कितने जीरोज आएंगे वो देखना हमें। ए का वैल्यू 5 है, बी का वैल्यू 7 है, सी का वैल्यू माइनस 3 है। डी निकाल लो, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये आ गया 49 प्लस 60, 109। अब 109 आ गया आपका, 109 पॉजिटिव है नेगेटिव है, पॉजिटिव है, इसका मतलब वो एक्स एक्सिस को कितनी बार कट करेगा भाई, ये अपवर्ड पैराबोला ऐसा बनेगा भाई, तो टू जीरो लिख लो उसको, कितने जीरोस आएंगे, टू जीरो, क्योंकि डी पॉजिटिव आ रहा है इसलिए इसके दो जीरोस आएंगे, डी पॉजिटिव आ रहा है इसलिए इसके दो जीरोस। यहां तक समझ में आ गया, लिख लो क्या हुआ, बोल बोल, अरे बोल, हो गया जरा। क्या हुआ, फोर्टी
पॉइंट द, एक प्रॉब्लम इस तरह की पूछी जाएगी, पॉइंट द नंबर ऑफ जीरोस, और कर्व दे दिया आपको, इसके कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे, बोलो एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, 5 बार, तो नंबर ऑफ जीरोस इक्वल टू 5। एक प्रॉब्लम इस तरह की आ सकती है कि कितने जीरोस होंगे, बस है जितना बार एक्स एक्सिस को कट करेगा वो नंबर ऑफ जीरोस होंगे, क्लियर है? तो ये तो जीरोस की बात हुई। भाई पॉलीनोमियल में सिर्फ एक ही है क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, बाकी कुछ भी नहीं, बाकी सब हट गया आपके कोर्स से, एक ही टॉपिक बचा है बस क्वाड्रेटिक, वो आज अपन कंप्लीट कर लेंगे पॉलीनोमियल की। अब देखो यदि मैं क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल की वापस से बात कर रहा हूं, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल एफ एक्स है आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक सेकेंड रुक, एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, मैंने अभी आपको डी बता ही दिया था। अब सबसे पहले हम इसके जीरोस निकालेंगे, देखो तो जीरोस कैसे निकालते हैं ये समझो, मैंने डी निकलवाया था अभी बी स्क्वायर माइनस फोर सी, तो इसके जीरोस ये इससे निकालना आप, ए बी माइनस बी प्लस माइनस अंडरूट डी अपॉन टू, माइनस बी प्लस माइनस अंडरूट डी अपॉन टू, इससे आप जीरोस निकाल, क्या अरे सब अरे वहां पर तेरे को कोई देखना आ रहा है, देखो तो राइट लगा मैंने, यदि सपोज तेरे को जीरोस निकालने के लिए बोल दे और तेरे को से फैक्टर नहीं हो रहे तो बेटा यही लगाएगा ना, सिलेबस में नहीं है तो क्या होगा, समझो आप, आपसे और आपसे फैक्टर होना बड़ा मुश्किल है लेकिन आप इससे निकालोगे तो जल्दी निकलेगा, मेरी बात समझ में आ गई, जैसे मैं आपसे बोल रहा हूं कि एक प्रॉब्लम आ गया आपका, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलीनोमियल, फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलीनोमियल एफ एक्स इक्वल टू थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस सेवन। अब मुझे इसके पॉलीनोमियल के जीरोस निकालना है, अब दो तरीके हैं बेटा पॉलीनोमियल के जीरोस निकालने, या तो आप फैक्टर करने आने चाहिए और फैक्टर नहीं आया तो फिर इससे आना चाहिए, और कभी कभी हमें फैक्टर समझ में नहीं आता कि आप फैक्टर कैसे करें। अब जैसे मैं दोनों मेथड से मैं आपको बता देता हूं, फॉर द जीरोस, जीरोस के लिए क्या होगा, एफ एक्स का वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो के इक्वल हो जाएगा, ठीक है बेटा, तो थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस सेवन इक्वल टू जीरो। अब इसके फैक्टर करने हैं मुझे, फैक्टर कैसे करते हैं ध्यान से समझना, 3 और माइनस सेवन को मल्टीप्लाई करो माइनस 21, अब 21 के ऐसे फैक्टर करो कि 4 आ जाए, 3 और 7, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा 7x माइनस 3x, 7x माइनस 3x, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है x, और यहां से क्या कॉमन आ रहा है माइनस 1, तो फैक्टर हो गए x माइनस वन और, तो यहां से x का वैल्यू 1 आ गया और x का वैल्यू माइनस 1 बाई 3, x का वैल्यू 1 आ गया और माइनस 1 बाई 3, तो ये इसके दो जीरोस आ गए। या तो आप ऐसे निकालोगे बेटा
और सपोज आपको फैक्टर नहीं समझ में आ रहे तो फिर मैं इस वाले मेथड से निकाल के बताता हूँ, तो ये तो लिखो पहला। तो जीरोस निकालने आने चाहिए हमें कि जीरोस कैसे निकालते हैं, लिखो इसको, दीज आर द जीरोस ऑफ द पॉलीनोमियल। बेटा आओ ना इस वाली क्लास में, तो ये तो जीरोस निकालने के लिए। अब इन जीरोस को क्या नाम देते हैं, एक को अल्फा नाम देते हैं और दूसरे को बीटा नाम देते हैं, तो कुछ भी ले लो, अल्फा वन हो गया और बीटा कितना आ गया बेटा हमारा माइनस। तो एक तो तरीका जीरोस निकालने का ये, दूसरा तरीका बता रहे हैं कैसे निकालेंगे। दूसरा तरीका ये रहा, सब फैक्टर नहीं आए क्योंकि बहुत लोगों को फैक्टर करने में दिक्कत आती है, तो उसके लिए आप ये वाला काम कर सकते हो। सेकेंड मेथड, अभी जैसे एक प्रॉब्लम मैं रूट वाला दूंगा तो उसमें कोई कोई को दिक्कत आएगी। फॉर द जीरोस एफ एक्स इक्वल टू जीरो, ये आ गया थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस सेवन इक्वल टू जीरो। ए का वैल्यू थ्री आ गया, बी का वैल्यू फोर आ गया, सी का वैल्यू माइनस सेवन आ गया, डी का वैल्यू निकाल लिया। हाँ बेटा अगला हफ्ते तुम आगे का कर लो, फिर पहले वाले कर लो, कोई सा भी कर लो। डी निकालो भाई, डी आ गया बेटा 100, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, फोर का स्क्वायर 16, ये तीनों मल्टीप्लाई करना है तो माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस 12 इंटू 7 84 100 हो गया। अब देखो इधर एक्स का वैल्यू क्या बोला था मैंने, माइनस डी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a, तो x का वैल्यू आ गया माइनस फोर रूट हंड्रेड मतलब 10 12 टू ए सॉरी 3a 6। एक बार प्लस लेंगे, ये प्लस ले लिया तो 1 आ गया बेटा, और एक बार माइनस लेंगे तो बेटा दूसरा जीरो क्या आ गया माइनस वन। देखो दोनों जीरो सेम आ गए, 1 और माइनस। बोल 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 बिल्कुल है, ये अल्फा वन हो गया और बीटा माइनस हो गया, कोई दिक्कत नहीं आता। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि यदि आपसे कभी भी रूट नहीं निकले, जीरो नहीं निकले, तो आप इस वाले मेथड से जीरो निकाल सकते। एक और मैं प्रॉब्लम बताता हूँ आपको जिसमें रूट वाला आ रहा है, यदि उसमें आपको दिक्कत आती है तो आप उसको जीरो, तो एक तरीका बता रहा हूँ मैं, यदि फैक्टर नहीं होगा तो आप इससे निकाल लो भाई, हमें तो जीरो आने चाहिए। जीरो क्या होगा, हो सकता है एक प्रॉब्लम को डायरेक्ट पूछ ले व्हाट आर द जीरोस ऑफ द पॉलीनोमियल, चार ऑप्शन दे देगा, तो चार ऑप्शन दे देगा, या तो रख रख के देखो सब जो सेटिस्फाई करेगा वो आंसर होगा, या फिर निकालो, दोनों से एक काम तो करना पड़ेगा। तो मैं तो ये मानता हूं कि जीरो रख रख के देखने में टाइम लगता है, इजी तो होता है लेकिन ज्यादा टाइम लगता है, टाइम तो कभी नहीं है। जैसे मैं एक और दे रहा हूं, देखो फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलीनोमियल,
फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलीनोमियल, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलीनोमियल f x equal to 4√3x square plus 5x minus 2. इसके हमें जीरोस निकालो. अब बताओ फैक्टर करो, फैक्टर से निकालो. निकल जाएगी फैक्टर से भी, कोई जरूरी नहीं. फैक्टर से कैसे निकलेंगे मैं तो ट्रिक बता रहा हूँ. इन दोनों को मल्टीप्लाई करना बेटा कितना आ रहा है बेटा, तू बता इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे कितना है. 8 into 3 दो बार आ रहा है तो 8 into 3 24 आ रहा है. क्या आ गया? अब 24 के ऐसे फैक्टर करो कि 5 आ जाए. 8 और 3 क्या है 24 के फैक्टर? 8 और 3 तो देखो बता fx equal to 4√3x square plus 8x minus 3x. 8x minus 3x. तो 8 into minus 3 minus 24 हो गया minus 24. तो दिक्कत यहाँ इन दोनों में क्या कॉमन आना है? 4x. क्या बचेगा? तो बेटा जब यहाँ ये बच रहा है तो यहाँ पर भी यही बचेगा. तो रूट थ्री कॉमन आ गया भाई. यदि ये यहाँ पर आ रहा है तो यहाँ पर भी यही रहेगा. तो यहाँ पर रूट थ्री नहीं आना चाहिए, तो रूट थ्री बाहर कॉमन क्या आ गया बेटा? 4x माइनस रूट थ्री एक्स प्लस फोर द जीरोस एक्स इक्वल टू जीरो. तो यहां से x का वैल्यू रूट थ्री बाई फोर आ गया और x का वैल्यू माइनस टू बाई ये इतने जीरो. क्लियर? एक तो तरीका ही है, दूसरा तरीका और बता देता भाई. तरीके सब आने चाहिए, फिर वहां पर जो लगाना है वो आपकी इच्छा. मैंने तो बता दिया कि ऐसे निकालो, लिखो उसको. लिख लिख लिखने का काम साथ के साथ होना चाहिए. दूसरा मेथड बोलो, बी निकालो. ए का वैल्यू 4√3, बी का वैल्यू 5, सी का वैल्यू माइनस 2, बी स्क्वायर माइनस 4ac. देखो 4 4 16 √2 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
जैसे कभी भी ऐसा आ जाए थ्री अपॉन रूट थ्री, तो बेटा ये किसके इक्वल होता है? रूट थ्री। तो ये रूट थ्री बाय फोर आ रहा है कि नहीं आ रहा? थ्री अपॉन रूट थ्री किसके इक्वल होता है? इसी तरह एक और इमेजिनरी मान लो माइनस सिक्सटीन अपॉन एट तो माइनस टू बाय आ रहा है कि नहीं आ रहा? माइनस टू बाय। तो ये अब तुम्हारे ऊपर है कि बेटा ये अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है, हमें तो जीरोस निकालने, तो जीरोस निकालने के लिए आपको भाई फैक्टर हो जाए तो बढ़िया है, ये तो आपको दिमाग नहीं लगाना होता, ये लगाना
तो समझ में आ गया जीरोस कैसे निकालेंगे? अभी जीरोस कैसे निकालेंगे, क्लियर है? हाँ सर, ठीक है। ये इधर से काफी है, इसके बाद भी नहीं। नहीं 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 इसके बाद अपनी क्लास, हाँ कोई बात नहीं, अपन कर लेंगे, बोल देंगे। पूछ लेना, हमने बोल दूँ। लिख लिया? चलिए अब आगे देखो। सर जो आपका क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल होता है बेटा, एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके जीरोज हैं आपके, हो गया? चलो ठीक है, जीरोज आर अल्फा एंड बीटा, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाय ए। लिखो बेटा, अल्फा प्लस जीरो बीटा इक्वल टू माइनस बी बाय ए एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या था बेटा, बताओ? सी बाय ए, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाय ए। लिखो, अब इस पर किस किस तरह की प्रॉब्लम बनती है वो अभी देखिए। वही करो, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए और अल्फा बीटा इक्वल टू सी बाई ए। तीन फॉर्मूले याद रखने हैं बेटे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा। दूसरा फॉर्मूला अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस थ्री अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा। और तीसरा फॉर्मूला अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस फोर अल्फा बीटा। ये तीन फॉर्मूले याद रखो, इसी से काम आएगा। देखो इसमें किस तरह की, इन तीन फॉर्मूले को यूज करके किस तरह की प्रॉब्लम बनती है वो देख लीजिए। तुम क्या बोल रहे थे, कौन सा क्वेश्चन भी बोल रहे? हाँ वही दे दो ना मुझे, हाँ बता लो। लिखो भाई, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलीनोमियल, आर जीरोज ऑफ पॉलीनोमियल एफ एक्स इक्वल टू सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू, देन फाइंड अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। लिख लीजिए बेटा, देन फाइंड अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है।
एफ एक्स इक्वल टू सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू। बोल बेटा अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, बस बोलो, कोई नहीं बोलेगा, उसके हिसाब से क्या होगा माइनस बी वन यहां से। अब मैं तुम्हें डायरेक्ट बोलने का तरीका बता रहा हूं, सुन लो। x का कोफिशिएंट क्या है बेटा, वन, तो आप उसको यदि वन होगा तो लिखोगे माइनस वन माइनस, डायरेक्ट ऐसे लिखोगे। हमेशा ध्यान रखना जो भी यहां पर है x का कोफिशिएंट उसका उल्टा कर दोगे, प्लस है तो माइनस कर दोगे माइनस, क्योंकि माइनस बी वाई है, तो माइनस बी वाई मतलब माइनस वन अपॉन सिक्स। क्लियर कंगना, अल्फा बीटा कितना हो गया बेटा, माइनस एक ही बात है, लेकिन आप माइनस टू बाई सिक्स ही लिखो क्योंकि आपको कैलकुलेशन करना इजी रहे। यहां तक कोई दिक्कत? अब मुझे ए अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा, एलसीएम ले लो अल्फा बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस, यहां तक कोई दिक्कत? हो गया पेपर, हो गया, वेरी गुड। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा। अब बेटा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का माइनस, कोई दिक्कत? नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा, तो माइनस वन बाय सिक्स का डायरेक्ट कर दो बेटा, माइनस वन बाय सिक्स का होल स्क्वायर, वन बाय थर्टी सिक्स, माइनस टू अल्फा बीटा की वैल्यू माइनस टू बाई सिक्स अपॉन माइनस टू बाई सिक्स। यहां तक कोई दिक्कत बेटा? कैंसिल वैंसिल मत करना, ये कितना हो गया माइनस और माइनस प्लस, कितना आया फोर बाई सिक्स। अब मैं तुम्हें तरीका बता रहा हूं एलसीएम, बिना एलसीएम लिए ये कितना है, तो नीचे सिक्स को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, थर्टी सिक्स हो गया, इधर भी सिक्स से मल्टीप्लाई कर, डिवाइड कर, क्यों 36 36 36 तो देखो ही मत नीचे वाली चीज। बोलो ऊपर क्या बचा, 1 प्लस अपॉन, क्योंकि 36 36 नीचे 36 वो तो सब जगह से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर कितना आया 25 अपॉन माइनस 12 माइनस 25 अपॉन 12 इसका आंसर आया। पक्का? चलो देखो कैलकुलेशन है, अरे वाह, गुड नाइट, ऐसे ही बैठता था। लिखो लिखो जल्दी लिखो, मेरी अम्मा लिख ले, ऐसा क्या कर रही है, नाराज हो रही है तो वैसे बना कर बोल दो। हाँ हाँ कोई दिक्कत, बैठते जाओ बैठते जाओ बैठते जाओ। एक सेकंड रुक रुक, चलिए भाई लिख लो जल्दी लिखो जल्दी लिखो, आते नहीं करनी बेटा बिल्कुल भी। अब इसको कहीं समझाने की जरूरत है, तुम तीनों को इधर से किसी को समझाने की जरूरत है। पक्का आ गया, और लिखो नेक्स्ट, पॉलिनोमियल्स पढ़ा रहे हैं, रिवीजन कर लो। Thank you.
हमारा भाई जिसको कल ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है वो कल 10:30 बजे आ जाना, किसी को रिवाइज करना है ट्रिग्नोमेट्री में 10:30 से 12 बजे तक पढ़ाऊंगा, तुम्हें तो आना ही है। तो तुम्हारा आप साइंस का टेस्ट मैं 12 बजे से लिखवा दूंगा। तो तुम एक काम करो ना, फिर 9 से 10:30 तुम्हारा टेस्ट रखवा देते हैं, तो क्या हो गया? चलो भाई अभी कल डिस्कस करके बता दूंगा, तुम मत आना, कोई बात नहीं, जिसको पढ़ना है वो आ जाएगा, उसमें कहाँ दिक्कत आ रही, मैं मना तो कर नहीं देगा। नेक्स्ट लिखो, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलीनोमियल, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ पॉलीनोमियल, अभी तेरे को कल साइंस का टेस्ट देना है बेटा, सुन ले। ओके सर। हाँ, टाइमिंग आपको मैसेज कर दिया जाएगा, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई एक्स प्लस के सच डेट अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अब बड़ी जी इजी प्रॉब्लम है, लेकिन ध्यान से देखो भाई, मुझे अल्फा माइनस बीटा 1 गिवन है, तो बेटा अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, सभी बोलेंगे 5। क्या होगा अल्फा प्लस बीटा? तो अल्फा प्लस बीटा 5 है आपका, और अल्फा माइनस बीटा 1 है, तो दोनों को सोल्व करके अल्फा और बीटा आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? कैसे निकाला? अल्फा प्लस बीटा माइनस बी, मैंने क्या बोला था, यहाँ जो भी होगा उसका उल्टा कर देना, माइनस 5 है तो प्लस 5 कर देना, प्लस 5 अपॉन 1 5, तो अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है बेटा 5, और अल्फा माइनस बीटा किसके इक्वल है 1, दोनों को ऐड कर दो तो अल्फा की वैल्यू 3, तो बीटा की वैल्यू 2। बेटा अल्फा बीटा किसके इक्वल आया? क्या अल्फा बीटा किसके इक्वल आया? अरे अल्फा बीटा पूछ रहा हूं, अल्फा माइनस क्या कर रहा है तू, क्या होता है अल्फा बीटा? कुछ नहीं हो सकता तेरा, अल्फा बीटा क्या होता है? तो सी अपोने क्या हुआ के, तो अल्फा की वैल्यू 3 और बीटा की वैल्यू 2। तुझे कभी कभी नहीं लगता है कि यार मैं क्या कर रहा हूं या मैं क्या सोच रहा हूं? कभी घर पे जाके सोच ये चीज, तेरे को अल्फा प्लस बीटा नहीं पता, अल्फा माइनस भी अल्फा बीटा नहीं पता, ये तो बेसिक चीजें हैं बेटा, तेरे को नहीं लगता है कि यार मुझे पता होना चाहिए? और मुझे लगता है कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा तो सबको पता है, क्या होता है अल्फा प्लस बीटा? देखो बता रहा हूं ना, मैं नहीं पता उसको, क्या होता है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा? मैं बोल रहा हूं सबको पता है, सबको पता है, सिर्फ तेरे अलावा सबको पता है, और तेरे को पता करने की जरूरत ही नहीं है, तेरे को ऐसा लगता है, डांटने का अब कोई मतलब ही नहीं, अब तो खत्म होने वाला ही वाला। क्या होता है अल्फा प्लस बीटा? तो यहां से माइनस बी अपोन ऐसे अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा 5, और अल्फा बीटा बस थोड़ा बहुत सोच लेना, एक बार में हो जाएगा। चलो भाई लिखो, नेक्स्ट बेटा थोड़ा सा कहना, तू करेगा तो तेरा ही फायदा, मेरा कोई फायदा नहीं है, मैं अभी बोल रहा हूं। आइए साहब, लास्ट क्लास में कहाँ गायब थी? पापा का मम्मी का मैंने सो रही थी, तो तेरे को क्या जरूरत आ रही थी परसों? 19 है, मुझे लगा पापा मम्मी की है ना एनिवर्सरी मना रही है, उसी पापा की मम्मी की एनिवर्सरी थी ना,
सब पता है। नेक्स्ट लिखो, लेफ्ट नेक्स्ट लिखो भाई, नेक्स्ट लिखो। द सम ऑफ जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखना बेटा। सम ऑफ जीरोस, इफ सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल एफ एक्स इक्वल टू या एफ टी इक्वल टू के टी स्क्वायर प्लस टू टी प्लस थ्री के इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट, इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट फाइंड के। हमें ये गिवन है कि सम ऑफ जीरोस जो है उसके प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के इक्वल है बेटा। सम ऑफ जीरोस जो है वो उसके प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के इक्वल, तो हमें के की वैल्यू निकालनी है। फिर वही बात बेटा, व्हाट इज सम ऑफ जीरोस, इसका अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होगा, सभी बोलेंगे कितना, टी का कोफिशिएंट कितना है टू, तो टू का उल्टा माइनस टू बाई, और बोलो बेटा अल्फा बीटा किसके इक्वल है, टी के अपॉन के। अब आपको गिवन है कि सम ऑफ जीरो जो है इसके किसके इक्वल है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, क्या गिवन है, इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट, तो अल्फा प्लस बीटा कितना हुआ माइनस टू बाई के इक्वल टू, तो माइनस टू इक्वल टू थ्री के, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के, माइनस टू। प्रॉब्लम बड़ी इजी है, बस आपको चीजें समझ में आनी चाहिए कि वो क्या बोल रहा है। अब इसी को मैंने थोड़ा सा चेंज करके इस बार टेस्ट में दिया था, क्या दिया था वो मैंने खुद ने बनाया था, क्वेश्चन में बता रहा हूँ, पहले इसको लिख लो, सेवन टाइम्स वाला, ये आ गया समझ में, लिख तो सही बेटा, क्या कर रहा है। एक दो तीन चार पांच छ पांच ग्यारह अभी बचे हैं, मतलब चार जने बचे हुए, ग्यारह एक दो तीन चार पांच छ पांच ग्यारह और बारह, चार जने बचे, आए सभी आए क्या, मौलिक बगैरवाल ये आया ना, स्वावी कल्पना और स्वावी कल्पना एक और बची कोई, चलिए लिख लिया क्या, समझ में आ गया, ये पक्का, सम ऑफ जीरो इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ जीरो, क्वेश्चन नंबर नहीं मिला, अभी वाले में बनाया था मेरे को याद है सारा, रेसिप्रोकल वाला भी करवाएंगे अब। ये ट्वेल्थ की आर डी ये यही
देखो सर, इफ थ्री टाइम्स द, देखो इफ थ्री टाइम्स द सम ऑफ जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सम ऑफ जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस सिक्स इंटू एक्स प्लस टू के माइनस वन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड के। अब मैंने क्या बोला, ये वाला क्वेश्चन वैसे तो क्या था, सीधा था, उसने बोला था कि भाई ये सम इज इक्वल टू प्रोडक्ट जो मैंने अभी करवाया, लेकिन मैंने इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया। अब चेंज कैसे किया, वैसे लिखो भाई अल्फा प्लस बीटा, सभी बताएंगे कितना हो रहा है, बोलो भाई अल्फा प्लस बीटा, माइनस क्यू बोला लड़की, क्या आएगा के प्लस सिक्स, माइनस आ रहा है आगे, ब्रैकेट लगा हुआ है तो माइनस का क्या हो जाएगा प्लस के प्लस सिक्स, और अल्फा बीटा कितना हो गया बेटा ओके माइनस। अब हमसे क्या बोला गया, थ्री टाइम्स द सम ऑफ जीरोस, थ्री टाइम्स द सम ऑफ जीरोस मतलब थ्री टाइम्स द अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फा बीटा, थ्री टाइम्स द अल्फा प्लस बीटा कितना हुआ इज इक्वल टू टू के। अब बताओ इससे इजी क्या प्रॉब्लम मिलेगा, ये था तो 3k माइनस 2k इक्वल टू माइनस 1 माइनस 18, तो k का वैल्यू कितना आ गया माइनस 9। ये था भाई इस बार की प्रॉब्लम, तो मैंने हल्का सा चेंज किया था, उसने बोला था इक्वल है, मैंने 3 टाइम्स का कर दिया उसको, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, बस k की वैल्यू चेंज हो जाएगी। आ गया समझ में, लिख लीजिए। एक रेसिप्रोकल वाला कौन सा, कल मैं ट्रिग्नोमेट्री रिवाइज करवाऊंगा 9:30 से 12, टेस्ट आपका बाद में होगा, यदि किसी को अटेंड करना है तो वो आ जाए, कुछ जनों के लिए तो कंपलसरी है, वो उनको पता है ठीक है किस किस को आना है, तुम तीनों को तो आना ही। घर से उठा लाऊंगा, चिंता मत कर, और क्या नाश्ता और करके जाऊंगा, और क्या पापा को और बोल दूंगा। अरे क्यों तेरे को ट्रिग्नोमेट्री आती है क्या, तो क्या हो गया, ऐसा नहीं होगा। चलिए भाई नेक्स्ट, इफ वन जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, राइट डाउन, इफ वन जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इफ वन जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल fx इक्वल टू 5x स्क्वायर प्लस 13x प्लस k इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर देन फाइंड k, इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर देन फाइंड k। अब ये इससे इजी प्रॉब्लम मिल नहीं सकता बेटा, मतलब ये तो आपके फ्री के मार्क्स है भाई। रेसिप्रोकल का मतलब होता है अल्फा इज इक्वल टू 1 बाय बीटा, तो बेटा बीटा को इधर ले जाओ, अल्फा बीटा किसके इक्वल हो गया 1 के इक्वल हो गया। आ जा बेटा इधर बैठ जा, कहीं तेरे दोस्त के पास जाके बैठ जा। हे भगवान क्या होगा है?
कोई बात नहीं, होता है। तो देखो भाई, प्रोटोकॉल जीरो के बाय फाइव, के इक्वल टू फाइव। बेचारे ने उसके लिए जिगे कर ली उधर किसका, लेकिन उसने नाराज है मुझे। तो के का वैल्यू फाइव आ गया, ये आया भाई, क्लियर है। और देखो, तो आज हमारा ये पॉलीनोमियल हमने कंप्लीट कर दिया बेटा। अब ये एनसी उसके भी देख लेते हैं, सैंपल पेपर के एक बार और देख लेते हैं क्या क्या आया था, यदि कोई अच्छा प्रॉब्लम हो तो अपन को दिख जाए। इस पे क्या थी, केस स्टडी थी ना, इस पे सैंपल पेपर में डाइव मारने वाली, हाँ अच्छी थी वो, अच्छी थी केस। किसी बात बुक है क्या? अरे तू बुक लाता है ना मैथ्स की, पॉलिस मैथ्स की, हाँ वही तो पूछ रहा हूँ यार, वही वही पूछ रहा हूँ, क्योंकि उसमें सैंपल पेपर है। ये तो तू रख ले यार, मैं तो जरूर। हाँ सैंपल पेपर कहाँ दे रखे हैं भैया? इसमें सैंपल पेपर नहीं दे रखे क्या? है इसमें सैंपल पेपर है अब इस साल का? इस साल का। चलो भाई देखो, निकाल देता हूँ। अरे 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 बेटा प्लीज डिस्कशन मत करो, ऐसे मत करो यार। देखो तो इस बार के सैंपल पेपर में किस किस तरह की प्रॉब्लम आई है लेना बेटा। देखो इफ टू एंड बेटा प्लीज, टू एंड वन बाई टू आर द जीरोस। देखो भाई टू एंड वन बाई टू आर द जीरोस। पॉलिनोमियल पी एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस आर टेन। अब देखो भाई सम ऑफ जीरोस बताइए, माइनस फाइव बाई पी। अच्छा अल्फा कितना की बना आपको? माइनस फाइव बाई पी। टू प्लस वन बाई टू करो बेटा, फाइव बाई टू आ गया। सो फाइव बाई टू इक्वल टू माइनस फाइव बाई पी। तो बेटा पी का वैल्यू क्या आ गया? माइनस टू। पी का वैल्यू माइनस टू। इस तरह से निकालो, कोई दिक्कत है? पक्का लिख लीजिए इसको। अल्फा प्लस बीटा हो गया बेटा माइनस फाइव बाई पी। अल्फा की वैल्यू आपको एक दो रूट गिवन, मतलब जीरोस गिवन है, टू और वन बाई टू। तो टू प्लस वन बाई टू इक्वल टू माइनस फाइव बाई पी। फाइव बाई टू इक्वल टू माइनस फाइव बाई पी। पी का वैल्यू माइनस टू आ गया, आया अल्फा बीटा। बोलना भाई अल्फा बीटा किसके इक्वल आया? आर बाई पी। और अल्फा बीटा हो गया टू इंटू वन बाई टू, पी की वैल्यू माइनस टू। तो बेटा आर का वैल्यू भी किसके इक्वल आ रहा है? माइनस टू। तो इसका आंसर आ गया पी इक्वल टू आर इक्वल टू माइनस टू।
ये हो गया। तो एक प्रॉब्लम ये थी और एक डायरेक्ट आपकी केस स्टडी। अब केस स्टडी देखते हैं, केस स्टडी अच्छी आई इसमें, सैंपल पेपर में अच्छी केस स्टडी दे रहे। गुड मॉर्निंग, गुड नाइट। चलो भाई अगला देखो। अब कौन बचा? कोई भी नहीं बचा ना वहां। बेटा प्लीज, अब देखो ये क्या गिवन है, केस स्टडी में क्या गिवन है समझना। यहां पर एक चीज है, यहां से कुछ लोग डाइव मारते हैं इस तरह से पानी के अंदर, यहां पानी है, कुछ लोग डाइव मारते हैं इस तरह से, तो ये कौन सा पैराबोला के फॉर्म में आपके डाइव मार रहे हैं भाई? ये पता है ना, ऊपर उसको करते हैं और इस तरह से, तो ये डाइव मार रहे हैं इस तरह से। अब जो हाइट है, अब ये बोल रहा है कि अनिवाज स्टैंडिंग इन ए ड्राइविंग आर्ट 48, ये 48 मीटर अबव वाटर लेवल, 48 फीट ये वाटर लेवल यहां पर है, तो ये 48 फीट अबव है। ये जो जहां से डाइव मार रहे हैं ये कितना फीट अबव है? 48 फीट अबव। सी टुक ए डाइव इनटू द पूल, हर हाइट इन द फीट अबव द वाटर लेवल एट एनी टाइम एच टी, दिस इज इक्वल टू -16t² + 8t + k। ये गिवन है। पहला क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के, के का वैल्यू क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के, ये हमसे पूछा गया है कि वैल्यू ऑफ के क्या होगा। बताइए वैल्यू ऑफ के कैसे निकालोगे आप, कौन बताएगा? बोलो। टाइम जीरो होगा जब एच की वैल्यू क्या होगी? जीरो। भाई किसी टाइम टी इक्वल टू जीरो पे एच की वैल्यू क्या होगी? जीरो। भाई जब आपने स्टार्टिंग टाइम पर उसकी हाइट कितनी है? 48। क्यों, कितनी वाटर? हाँ 48 टी। भाई जैसे आपका यहां पर अभी कितना है टी इक्वल टू जीरो, तो यह हाइट कितनी है बेटा? 48। तो टी इक्वल टू जीरो रख दो, यह हाइट होगी 48 जीरो, तो के का वैल्यू कितना आ गया बेटा? 48। ये तो पहले का आंसर है, इसमें कोई दिक्कत? भाई अभी वो किस हाइट पर है, कितनी हाइट पर है? 48। किस टाइम पर? जीरो टाइम, मतलब उसने डाइव मारी नहीं स्टार्टिंग में। टी इक्वल टू जीरो पर कितनी है? 48। तो टी इक्वल टू जीरो रखोगे तो यहाँ एस टी की जगह क्या आएगा? 48। तो 0 + 0 + k, तो k की वैल्यू क्या आ गई? 48 आ गया। स्वाभी नेक्स्ट, सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा उसने, देखिए आ गया क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन उसने पूछा है एट व्हाट टाइम विल सी टच द वाटर इन द पूल, यहां पर कितने टाइम पर ये वाटर इन द पूल को टच करेगी? हाइट जीरो। एट व्हाट टाइम, सेकेंड लिखो, एट व्हाट टाइम विल सी टच द वाटर इन द पूल, when
H इक्वल टू जीरो, कब करेगा भाई आंसर, जब हाइट कितनी हो जाएगी जीरो, यहां पर हाइट जीरो हो जाएगी तो जीरो पे टच करेगा, तो हाइट जीरो कर दो प्लस 48, क्या कॉमन आ गया भाई, ये 8 कॉमन आ गया, इधर ले आओ 2t स्क्वायर माइनस t माइनस 6 इक्वल टू जीरो, फैक्टर करो भाई इसके, 2t स्क्वायर माइनस t कितना आ गया बेटा 12k 4 एंड 3, टू टी कॉमन आ गया टी माइनस टू, थ्री कॉमन आ गया टी माइनस टू, तो बेटा टी की वैल्यू जो पॉजिटिव आएगी वही लेनी है हमें, तो टी इक्वल टू 2 सेकंड, कितने सेकंड के बाद उसका हाइट जीरो हो जाएगा, 2 सेकंड के बाद, तो फिर दूसरा आंसर क्या आ गया बेटा, इधर देख ले यार सीधा बेटा का, तू सीधा बेटा एट वॉट टाइम टी है ना हाइट विल बी जी जीरो, मतलब कब टच करेगा वाटर लेवल पर, जब हाइट जीरो हो गया तो 2 सेकंड के बाद वो टच कर दिया, लिख लो भाई सेकंड, तीसरा क्या गिवन है, सेकंड वाला समझ में आ गया, कब टच करेगा जब हाइट जीरो हो जाएगी, थर्ड केस इसको तो हटा दें, ये तो समझ में आ गया आपको, थर्ड रीटास हाइट इनफिट Above water level is given by another polynomial PT with zeros minus 1 and 2. Then PT is given by. Then PT is given by. बताइए अब कैसे होगा ये? कौन बताएगा? बोलिए. अब देखो आपके जीरोस क्या क्या गिवन है, तो आपका जो पॉलिनोमियल है पीटी वो होगा, इसका पहला जीरोस कितना माइनस वन, तो टी प्लस वन और टी माइनस टू, होगा कि नहीं होगा, होगा. अच्छा टी इक्वल टू जीरो पर हाइट कितनी आनी चाहिए, 48. टी इक्वल टू जीरो पर हाइट कितनी आनी चाहिए, 48. मैं हूं तो वहां से के की वैल्यू आ जाएगी आपकी, जा जा एक डाउट है इसको, वो तो हमें दो ऑप्शन दिए
चलो अभी क्लास के बाद डिस्कस कर लेना। इधर देखो भाई, मैंने आपसे क्या बोला, जब टी इक्वल टू ओए लड़की, भाई लड़का तो बोलूंगा नहीं, तो टी इक्वल टू जीरो पर हाइट कितनी होगी, तो टी इक्वल टू जीरो पर इससे मुझे के की वैल्यू मिल जाएगी भाई, तो 48 इक्वल टू माइनस टू के, तो के की वैल्यू क्या आ गई बेटा हमारी, माइनस 12। तो आपका ये पीटी कितना आ गया, माइनस 12 से मल्टीप्लाई कर दो, टी प्लस वन टी माइनस टू, इसको मल्टीप्लाई करके ये लिख दो, टी स्क्वायर माइनस टू टी प्लस टी माइनस टी माइनस टू। तो बेटा ये जो आपका आंसर आया है चार ऑप्शन में, एक ऑप्शन ये माइनस 12 टी स्क्वायर प्लस 12 टी प्लस 20, एक ऑप्शन ये वाला है माइनस 12 टी स्क्वायर, अच्छा ये सॉरी सॉरी 24 आ गया, तुम भी तुम्हारे बातों के चक्कर में हो गया हूं, तो ये हो गया माइनस 24 टी स्क्वायर प्लस 24 टी माइनस प्लस 48। अरे यस, दोबारा देखो, बस बोलना मत, सुन लो, इसका एक जीरो माइनस वन और एक जीरो क्या है, तो हमारा जो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल बनेगा वो के टाइम्स ऑफ टी प्लस वन, माइनस वन जीरो है तो उसका जो है ना फैक्टर क्या हो गया, टी प्लस वन, और ये कितना हो गया टी माइनस टू। अब यदि टी जीरो रखते हो तो हाइट कितनी आएगी, 48, तो यहाँ 48 इक्वल टू टी जीरो रख दिया, तो के का वैल्यू कितना आ गया बेटा माइनस 24, यहाँ रख दिया माइनस 24, तो माइनस 24 टी प्लस वन टी माइनस टू, टी स्क्वायर माइनस टू टी प्लस टी माइनस टी माइनस टू, माइनस 24 टी स्क्वायर, इसको सोल्व कर लीजिए, ये आंसर है। हाँ टाइम है ना, क्या क्या दोबारा बोल, दोबारा बोल, अरे क्या रहे तो बोल तो सही, अगवा क्वेश्चन नहीं है, इधर सुन ले मेरी बात, अरे सुन मेरी बात, पहले मेरी बात सुन ले तब समझ में आएगा तेरे को। पानी का वाटर लेवल ये था, मैं यहाँ खड़ा हूँ ऊंचाई पर, मेरे को यहाँ से मैंने जंप लगाया, अभी मैं 48 फीट पे आए हूँ, ये 48 फीट, तो 48 फीट की हाइट पर कब हूँ, स्टार्टिंग टाइम पर टी इक्वल टू जीरो, मतलब जब भी मैं टी इक्वल टू जीरो रखूंगा तो 48 आएगा, तो ये टी इक्वल टू जीरो पर 48 आएगा। अब उसने बोला मैं वाटर लेवल को कब टच करूंगा, जब ये हाइट जीरो हो जाएगी, तो हाइट जीरो करते ही आपकी वाटर लेवल को टच करूंगा, यही तो दो क्वेश्चन किए अभी तक हमने, यही तो किया अपन भाई, मैं अभी 48 फीट की हाइट पर हूं, अभी यहां पर ये मैं यहां पर हूं ना, ये वाली जो आप बोल रहे हो ये 48 फीट की हाइट पर है, और ये वाटर लेवल है नीचे, इसके नीचे मैं यहां से कूदता हूं, तो जैसे मैं इसको टच करूंगा पानी को, मतलब मेरी हाइट क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, तो वो हाइट जीरो कर रही जब तो आपका ना टच करूंगा पानी को, और अभी स्टार्टिंग टाइम पर, अभी मैंने ना कहीं पे भी नहीं गिरा, मैं यहाँ पर अभी स्टार्टिंग में खड़ा हूँ, इसका मतलब एच कितना है, वही तो करा, और क्या एच जीरो, टी जीरो क्यों होगा, टी जीरो क्यों होगा, टी तो निकालना है हमें किस टाइम पर टच कर रहा है, भाई पहला वाला क्वेश्चन था कि के की वैल्यू क्या होगी, यही था ना प्लस के जो भी था, तो के की वैल्यू क्या होगी जब टी इक्वल टू जीरो है, तो एच क्या होगा 48, तो मैंने एच है ना 48 रख दिया और टी जीरो रख दिया था, तो के की वैल्यू आ गई थी, अब हमारा एक पॉलीनोमियल आ गया पूरा। अब उसने बोला कि भाई वो ना पानी को कब टच करेगा, तो मैंने एच जीरो कर दिया, एच जीरो करते ही टी की दो वैल्यू आ गई, एक तो 2 आई थी, तो ये 2 सेकंड पर टच करेगा, ये तो नेगेटिव है, नेगेटिव पर तो आएगी नहीं टी की वैल्यू, इसका मतलब 2 सेकंड के बाद वो पानी को टच करेगा। फिर उसने बोला एक और स्टूडेंट कोई ये है, जैसे ये है, तो इसके जीरोज है माइनस 1 और 2, तो इसका इसका कर्व क्या बना होगा, ये किसी दूसरी तरीके से कूदेगी, लेकिन कूदेगी किसमें, पैराबोला, लेकिन उसका अलग से होगा, ऐसा अलग से कूदेगी वो,
तो वो कूदने का मैंने मान लिया के टी प्लस वन टी माइनस टू, हाइट तो उतनी है ना, कूदी तो वहां से ही है, तो 48 कब t इक्वल टू जीरो पे, तो k की वैल्यू क्या आ गई माइनस 20, बस माइनस 24 रखते हैं आंसर। चलिए नेक्स्ट, बेकार नहीं है, समझो क्वेश्चन को। नहीं तो तेरा तो क्वेश्चन क्या है यार, ऐसे क्यों सोचती है यार, हैं तू बोल मेरा क्वेश्चन बहुत खतरनाक वाला है, ऐसे बोला कर कि आपको नहीं समझ में आएगा। नेक्स्ट लिखो भाई, बस बाहर वाले रूम। चलो भाई टाइम भी हो गया, बस कल वापस से मैं रिपीट कर रहा हूं,